हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल जॉब में। मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं कि IRCTC से टिकट कैसे बुक करें। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही आप सभी को बता चुका हूं कि IRCTC अकाउंट कैसे बनाए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलेंगे हम IRCTC ऐप पर, ओपन कर लेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद माई अकाउंट पर आएंगे, आपने वो 4 अंक का जो पिन सेट किया है वो पिन डाल देंगे यहाँ पर, और ये कैप्चा फिल कर लेंगे। लॉगिन कर देंगे, लॉगिन हो रहा है। उसके बाद सबसे पहले हम चलेंगे प्लान माई जर्नी पे, यहाँ आएंगे। यहाँ पे आपको कहाँ से कहाँ जाना है, हमें जाना है न्यू दिल्ली से, न्यू दिल्ली चूज़ कर लेंगे। आपको कहाँ जाना है यहाँ से चूज़ कर लेंगे, हमें जाना है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर चूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे आप आगे डेट चूज़ कर लेंगे, कब जाना चाहते हैं आप, हमें जाना है 29 तारीख को, चूज़ कर लेते हैं। फिर आप सर्च ट्रेन पर ओके कर देंगे। उसके बाद आपको उस रूट की जितनी भी गाड़ियाँ होगी यहाँ पर आपको उसकी लिस्ट आ जाएगी। सबसे पहले आपको बता दूं, ये होता है 2 AC का मतलब होता है चालू, SL का मतलब होता है स्लीपर, 3A का मतलब होता है थर्ड AC, 2A का मतलब होता है सेकंड AC, 1A का मतलब होता है फर्स्ट AC। हमें निकालना है चालू टिकट, तो हम इसको ओके करेंगे। बुक नाउ पे ओके, आई एग्री, कंफर्म, यहाँ पे नाम लिख देंगे पैसेंजर का, एज लिख देंगे, मेल है फीमेल या ट्रांसजेंडर इस पर चूज़ कर लेंगे इसे। उसके नीचे आएंगे, ऐड पैसेंजर पर ओके कर देंगे। तो दोस्तों, एक ज़रूरी बात आपको बता दूं, यहाँ पर ही अगर आपका नंबर नाम है तो आप शुरू के नाम लिख ही सकते हैं, और एंड में जो नाम है उसे उसका एक अक्षर लिखिएगा। अगर आप पूरा नाम लिखेंगे तो ये ऐड नहीं होगा। हम नाम काफ़ी लंबा है तो हम उसका एंड का एक ही अक्षर लिख देंगे यहाँ पर ही। फिर एज लिख देंगे, ऐड पैसेंजर पर आके ऐड पैसेंजर कर देंगे। उसके बाद जिस पैसेंजर का जाना है उसका नंबर लिख देंगे यहाँ पर ही, उसके बाद यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे। पैसेंजर कहाँ जा रहा है उस एरिया का पिन कोड डालना होता है आपको, यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे। अब वहाँ का पोस्ट ऑफिस क्या है वो चूज़ कर लेंगे हम। उसके बाद ये एड्रेस लाइन माइनॉरिटी है तो इसे लिखना पड़ेगा। और बाकी ये सब ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिख सकते हो वरना कोई बात नहीं। अब आएंगे हम पे टुगेदर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड वॉलेट्स। आप यहाँ पे टुगेदर भीम UPI से कर सकते हैं, चाहे आप जिससे दीजिए। हम क्रेडिट कार्ड से करेंगे, TS पे ओके कर देंगे, यू जनरेट डिटेल्स पे ओके कर देंगे। यहाँ पे एक कैप्चा आएगा, उसे फिल करना है। जैसे कि हमारा कैप्चा आ चुका है, अब इसे फिल कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू पे ओके कर देंगे, यस। यहाँ पे हम चूज़ कर लीजिए, में से आपको किसी कार्ड से पे करना होगा तो हम करेंगे ICICI वीज़ा कार्ड से, ओके कर देंगे। पे वीज़ा है तो वीज़ा, मास्टर कार्ड है तो मास्टर कार्ड पर ओके करेंगे, रूपी है तो उस रुपये पे ओके करेंगे। हमारा वीज़ा कार्ड है तो वीज़ा पे ओके करेंगे। यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम डाल देंगे, कार्ड नंबर डाल देंगे, यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिख देंगे।
यहाँ पे यार लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे CVV, कंटिन्यू पे ओके करेंगे। अब हमारे पास आएगा एक OTP, OTP डाल देंगे। यहाँ पे आपको OTP आएगा, OTP आ गया है तो यहाँ पे OTP डाल देंगे। अब यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब हमारा टिकट निकल चुका है, देखिए कोच है D3, बर्थ 38 नंबर, 39 40। बस यही प्रोसेस है, आप आसानी से टिकट निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।